हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं 3773 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोर्ड की। इसकी फुल वायरिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके कनेक्शन आपको बताऊंगा कि कैसे करने हैं और साथ ही ये बोर्ड कितना हाई पावर का है ये भी बताऊंगा मैं। ये एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोर्ड है जो मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है, आप उसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी कोई एम्पलीफायर बोर्ड की अनबॉक्सिंग या फुल वायरिंग जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और ये देखिए, मेरे पास एक 3773 बोर्ड है और इसी में एक 3055 बोर्ड भी आता है, तो वो भी एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोर्ड है। इसमें देखिए, आप पहले से 20 मीटर्स बेस वॉल्यूम ट्रेबल के लगे हुए आते हैं और इसमें ऑडियो आउट और 5 वोल्ट आउटपुट भी मिलता है जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए होता है। इसमें 7805 की आईसी लगी और ये चार ट्रांजिस्टर लगे हैं 3773 के। आप देख सकते हैं इसमें हीट सिंक भी काफ़ी मोटा है। अब पीछे की तरफ आप इसमें देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए वायर प्लस दो स्पीकर के लिए वायर का सोल्ड हो रखे हैं पहले से ही। और मैं आपको बता दूं, इसको आपको चलाने के लिए सबसे पहले एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में आसानी से मिल जाता है और इसमें FM और ब्लूटूथ दोनों ही हैं। और इसके बाद मैं आपको स्पीकर दिखा दूं, ये मेरे पास 150 वाट RTM का स्पीकर है जिसको मैं आपको चला के दिखाऊंगा। और इसके बाद हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी जो कि मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा या ऑनलाइन भी आप इसको खरीद सकते हैं। और ये ट्रांसफार्मर 18018 5 एम्पियर है। इसमें आप बहुत ही सिंपल कनेक्शन है इस ट्रांसफार्मर के और ब्लूटूथ मॉड्यूल के, जो कि मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। और ये ट्रांसफार्मर काफ़ी बढ़िया काम करता है इस बोर्ड पर, मैं इसको आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें ब्लूटूथ में कनेक्शन कैसे करने हैं। और दोस्तों, इस एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर बोर्ड के कनेक्शन बहुत ही ईजी हैं, 5 से 10 मिनट में इसके कनेक्शन करना सीख जाएंगे। इतना हार्ड भी नहीं होता, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और मैं आपको बताऊंगा कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। देखिए, मेरे पास एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है और इस 3773 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बोर्ड में सारे वायर दे रखे हैं। 5 वोल्ट आउटपुट्स में से निकल रहा है, प्लस ऑडियो इनका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल में वायर लगता है वो भी निकल रहा है। आपको बस सिंपली ब्लूटूथ मॉड्यूल में उन दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है, पावर का 2-पिन वायर और ऑक्स का जो ऑडियो इनका है वो 3-पिन वायर होता है। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, ये ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर में जो 3 वायर हैं, अब ये है 18018 ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करने के लिए। और ट्रांसफार्मर में भी सेम 3-पिन निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। इसके ट्रांसफार्मर में जो बीच का कॉमन पॉइंट होता है वो 0 होता है और साइड के दोनों 18-18 हैं। और इसी तरह ट्रांसफार्मर में तीनों वायर सोल्ड रखे हैं, ऑरेंज वाला 18 है, येलो वाला 0 है और ग्रीन वाला 18 है। जैसा कि मैं इसको कनेक्शन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए, येलो वाला 0 है जो कि ट्रांसफार्मर के बीच वाले पॉइंट में मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी ऐसे कनेक्शन करें मेटल का ना हो। मैं इसके नीचे एक फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। देखिए, मैंने तीनों ट्रांसफार्मर के वायर को ट्रांसफार्मर में जोड़ दिया है, उसके बाद हमारा ब्लूटूथ भी जुड़ चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए ट्रांसफार्मर मैंने जोड़ दिया है और इसमें 20 मीटर्स पहले से लगे हुए हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक एम्पलीफायर की बॉडी लानी है और उसमें इसको लगा देना है इन सब सामान के साथ। ये मेरे पास 150 वाट 8 इंच का स्पीकर है, स्पीकर का सब बूफ है। इसमें हमने क्लिप वायर जोड़ रखे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं इस 3773 बोर्ड में 2 चैनल है ये, और इसमें 2 स्पीकर्स के वायर निकल रखे हैं। मैं उसमें से एक को पील करके उसको क्लिप वायर के जरिए इस स्पीकर से अटैच कर दूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, मैंने एक स्पीकर का एक चैनल का लिया और उसके वायर को इस क्लिप वायर के जरिए स्पीकर से अटैच कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, बिल्कुल भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप भी कोई बोर्ड की अनबॉक्सिंग या फुल वायरिंग करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और ये देखिए, मैंने पावर को ऑन किया और हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन हो गया है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगे होंगे और मैंने कनेक्शन आपको करके दिखा दिए हैं। आपको बस अगर ज़्यादा स्पीकर जोड़ने हैं तो स्पीकर्स के कनेक्शन लीजिए, स्पीकर कनेक्टर आते हैं उन सब में उसका इस्तेमाल करिए और इसे जोड़िए और सारे कनेक्शन इसी तरह होंगे। मैंने मोबाइल में ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया है, अब मैं आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाऊँगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आगे भी इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करता रहूँ।